पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ट्वेल्थ केमिस्ट्री का रिवीजन हम कराएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आप हमारे साथ बस जुड़ तो जाइए, सही से जुड़ जाइए। आप हमको एकदम परेशान कर दीजिए कि सर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं कि सर हमको कंप्लीट होना चाहिए, और आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद करवाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपने अंदर एक नया जोश जगाइए, लाइए कि हमको पढ़ना है। सिर्फ एक कह देने से काम नहीं चलेगा कि सर हमको से क्या होगा, मेरा मार्क्स बहुत कम आएगा। सर बहुत सारे हमसे पूछते हैं कि सर पास हो जाएंगे ना, जब पूछता है ना भाई तो दिल रो देता है, लगता है कि ये सब पढ़ क्यों रहा है। कितना मासूमियत के साथ पूछता है कि सर हम पास हो जाएंगे ना, ऐसा क्यों पूछते हैं आप ऐसा? आपके अंदर क्या वो सारे जितने भी उम्मीद थे खत्म हो गए अभी? आप एक बात बताइए, आप एक छोटा सा एग्जाम, आप छोटे से एग्जाम के लिए आप ऐसे बात करते हैं कि सर हम पास हो जाएंगे ना, तो आपके बहुत काफी आगे के सपने देखे होंगे, आपके बहुत सारे सपने होंगे, आप उसे कैसे कर पाएंगे? एक बात बताते हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है ना, चाहे आप ही जब छोटे होंगे तो उस छोटे से बच्चे में एक ललक होता है कि मेरा स्कूल टॉप होना चाहिए। जो छोटा बच्चा है एकदम एनसी प्री एनसी और क्या क्या होते हैं उससे भी नीचे, उस बच्चे को भी अपने अंदर एक जोश लाना होता है कि हम इस स्कूल के टॉपर कहलाएं। उसको अगर हाथ में एक गले में मेडल दे दिया जाए ना, एक सिल दे दिया जाए, एक छोटा सा कोई भी खिलौना दे दिया जाए जिसको प्राइज के रूप में वो मान ले, तो उसके अंदर एक अलग सा ललक होता है जिसके देखने के बाद उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं। तो आप तो इतने समझदार हो गए, इतने बड़े हो गए, फिर आप ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हैं जो हमको बुरा लगता है। आपके अंदर बहुत कुछ है, आप करना तो चाहिए, आप कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा, बहुत आगे आपको जाना है। आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप इसमें एक सफल प्रयास डालिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा, अच्छे मार्क्स से बढ़िएगा। एक बात बताइए, जो टॉप करते हैं वो भी आपके साथ ही पढ़ने वाले होते हैं, आपके जैसे ही पढ़ने वाले होते हैं। जो टीचर आपको पढ़ाते वही टीचर उसको भी पढ़ाते हैं। उसी बेंच पर बैठने वाला लड़का एक फेल हो जाता है और एक टॉप कर जाता है, तो बताइए उस फेल होने वाले लड़के को अंदर से कितना खराब लगता होगा। उसको लगता होगा ना कि शायद हम भी कुछ अच्छा कर लेते तो आज इसके जैसा टॉप करते। वो बगल वाला टॉप जो होता होगा कितना खुश होता होगा कि आज हम इसके साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेते तो आज हम टॉप नहीं होते। बस अंतर यही है, आप कर नहीं पाते वो कर लेता है। आप भी उसके जैसे हैं, आप भी कर पाइएगा। आपके दिमाग में दो तरह के बल काम करते हैं, एक निगेटिविटी एक पॉजिटिविटी। एक सकारात्मक आपको दिखाता है, एक नकारात्मक। नकारात्मक जो कि होता है सकारात्मक से ज़्यादा बलवान होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। आप कुछ अच्छा सोचिएगा तो बुरा करने को वो ज़्यादा प्रेशर डालेगा। आप किसी काम को एक बार कह दे कि नहीं मैं इस काम को कर लूंगा तो 10 बार कहेगा कि ना तू इस काम को नहीं कर सकता है। यही है बुराई, जो आपके अंदर एक अलग भावना लाए, आपको एक अलग उम्मीद के साथ उस काम को करने से मना कर दे। समझिए कि मेरे अंदर का वही सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा खराबी है। आप जिस दिन से उसे निकाल देंगे ना कि ना हमसे ये नहीं होगा, तो उस दिन से आप सफल होंगे, आप आगे बढ़ पाएंगे, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आगे जाए। आपके पास अभी एक 2 रुपया का पेन होगा, या आप अभी चप्पल पहनकर चलते होंगे, तो किसी के पास एक शू भी होगा, एक जूता भी होगा। आपको देखकर लगता होगा अरे मेरे पास चप्पल है, उसके पास जूता है, ऐसा क्यों? वो भी तो आपके जैसा है। आपके पास एक साइकिल है, किसी के पास बाइक है, तो लगता होगा कि अरे उसके पास बाइक है, ऐसा क्यों? आपको लगता है कि मेरे पास बाइक है और किसी के पास कार है, ऐसा क्यों? वो भी तो आपके जैसा है, वो भी आपके जैसा है, आपके जैसा खाने वाला है, आपके जैसा पीने वाला, उसके पास भी 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 नाक है, मुंह है, सारा चीज आप ही जैसा है, फिर भी आपसे आगे है। किसी के पास कार है तो किसी के पास और महंगे कार है, ऐसा क्यों? वो भी तो आपके जैसा ही है ना।
सफल बनने के लिए आपको हर प्रयास को पार करना होगा, हर प्रयास को पूरा करना होगा, तब जाके आप इस सफल इंसान बन पाएंगे। सिर्फ इस तरह के बात करने से कि सर हम ऐसे कैसे कर पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जो काम को करना उस काम को कर तो डालिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप मेहनत तो करिए, पास होना ना होना बात की बात है। जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको बहुत समय बाद मिलेगा जब परीक्षा देंगे, परीक्षा तो दीजिए कम से कम। बहुत सारे ऐसे ही हमको मिलते हैं जो कहते हैं कि सर परीक्षा क्या दे, सर पास ही नहीं होंगे। अरे अरे कैसे जान लिया कि पास नहीं होंगे, अगर पास हो गया तो? आप ये बोल रहे हैं कि पास नहीं होंगे, अगर पास हो गया तो एक साल बैठना नहीं ना पड़ेगा, एक साल आपको रुकना नहीं ना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आपको किसी को कह दे कि आपको ट्रेन से कूदना है, आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, तो बहुत सारे लोग जो होंगे वो कहेंगे नहीं हमको मरना नहीं है। लेकिन उसमें कोई एक ऐसा बच्चा भी होगा, एक ऐसा स्टूडेंट भी होगा, एक ऐसा विद्यार्थी भी होगा, एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो हाथ खड़ा करेगा कि सर हम इस काम को कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो आज हमारा दुनिया के पास इतने बलवान बलवान लोग नहीं आते, इतने अच्छे तरह के हमारे पास आइडिया नहीं मिल पाते कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। आप इस एक एरोप्लेन पर जाने के लिए सोचते हैं कि हम उस एरोप्लेन पर कैसे बढ़ेंगे, उस जहाज पर कैसे बढ़ेंगे, किसी ने उस जहाज को बनाया है। जिस जहाज पे आप बैठने को सोच रहे हैं कि उस जहाज पे हम बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उस जहाज को किसी ने बनाया है तो उसने कैसे बनाया होगा? आप तो काफी आगे के जेनरेशन में आ चुके हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि अच्छा ये कलम है, कलम है, इससे लिखना है। लेकिन किसी ने सबसे पहले कलम का प्रयोग किया होगा, किसी ने कलम बनाया होगा तो उसने क्या सोचकर बनाया होगा? तो आपसे ज्यादा तो वो था दिमागी ना। अब आइंस्टीन के बारे में बात कर ले तो आइंस्टीन को सब लोग जब वो पढ़ता था कहता था अरे यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाले सब उसके मजाक उड़ाते थे। आइंस्टीन बोलता था अरे तुम्हारे अंदर जितना भी ताकत है ना, एनर्जी है ना, हम उसको माप पाएंगे। तो उसको पढ़ने वाला कहता अरे साला पगला है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसी भगते रह जाएगा। तो उस समय भी उसको नकारात्मक सोच देने वाले बहुत सारे लोग थे। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कभी भी किसी के सामने अच्छा नहीं हो पाइएगा। आप खुद को देखिए कि हम कैसे, किसी पे बिलीव नहीं कीजिए, दूसरे पर तो देखिए ही नहीं कि दूसरा आपको क्या बोलता है, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं कहेगा। आप अगर फर्स्ट आ जाते हैं ना तो कहता है अरे फर्स्ट ही आया ना, ज़्यादा मार्क्स थोड़े ना आए। आप अगर ज़्यादा मार्क्स मिल जाए तो अरे इतना और आ जाता ना। यानी आप कितना भी अच्छा कर लीजिए किसी के सामने अच्छा नहीं होने वाले, आप पे दुनिया हमेशा हंसेगा। आप दुनिया को नहीं देखिए, खुद को देखिए कि हम क्या है। खुद को ऐसा बनाइए कि आप एक समय चलकर उस दुनिया के सामने हंसे और वो आपको देखकर बस ताली बजाए, ताली और कुछ नहीं, आपसे मिलने के लिए सोचे। ये दुनिया रहने वाला है, दुनिया मरने वाला नहीं है। दुनिया में रहने वाले लोग मरने वाले नहीं है। आप जरूर मर जाइएगा, हम जरूर मर जाएंगे। ये दुनिया मरने वाला नहीं है, दुनिया में रहने वाले लोग नहीं मरने वाले हैं। आप मरिएगा, हम मरेंगे, हम जैसे लोग मरेंगे। बस काम ऐसा कुछ कर जाइए कि दुनिया मर जाए, आपका नाम खत्म होने वाला नहीं। ऐसा इतिहास है, बहुत सारे आप लोग नाम पढ़ते हैं, तो नाम पढ़ने के लिए शायद उसने वैसा कुछ काम किया होगा, तभी आज उसका नाम हम पढ़ रहे हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं। आप भी वैसा काम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप उस काम को कीजिए, करना शुरू कीजिए, हो नहीं हो बात की बात है। अगर हो ही गया तो सफल है ना। अगर आपको कोई कह दे कि आपको एक ट्रेन से आपको कुछ जाना है और 1 करोड़ रुपया और आपको सारी चीज मिल जाएंगे जो आपको सुविधा चाहिए, तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे अरे 1 करोड़ रुपया के चलते मरना नहीं है, जान रहेगा तो बहुत सारे 1 करोड़ रुपया ला सकते हैं। लेकिन उसी में से कोई पागल इंसान ही होगा जो हाथ खड़ा कर देगा, कहेगा कि सर मैं कूद सकता हूं, मुझे 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। वो पागल होगा, उसको देखकर लोग हंसेंगे कि पागल है। लेकिन अगर वो हाथ उठा दिया और उस जो चैलेंज है चैलेंज को पार कर लिया, तो
सबसे पहले यहां पर ये सिचुएशन भी तो नहीं है, सबसे पहले तो आपको छाटना ही है, आपके अंदर हुनर को ही देखना है, आपके अंदर साहस को ही देखना है। उस सिचुएशन में ये तो कंडीशन नहीं लाया गया है कि वो ट्रेन चल रहा है या रुका हुआ है। जिस ट्रेन से आपको छलांग लगाना है वो ट्रेन चल रहा है या रुका हुआ है, आपको ये तो नहीं कहा गया, आपको ये तो नहीं कहा गया ना कि चलती हुई ट्रेन से आपको छलांग लगाना है। लेकिन यहां पर जो 1 करोड़ रुपया है ना, वो आपके अंदर दिमाग को नकारात्मक सोच डाल रहा है। वो आपको जैसे 1 करोड़ रुपया, अच्छा 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ा है, यानी कि काम भी बहुत हार्ड होगा, आपके अंदर ये मन में गया होगा, जिसके कारण आपने हाथ नहीं उठाया और आपने ये सोच लिया सलम मरना किसको है, मरना किसको है, और एक काम सोचकर आपने इस काम को छोड़ दिया। लेकिन जिसने हाथ उठा दिया वो आपसे आगे गया, जीत गया कि नहीं जीत गया। अगर मान लेते हैं कि ट्रेन चलता भी रहे और कह दे कि चलते ट्रेन से आपको कूदना है, 1 करोड़ रुपया मिलेगा, हाथ उठा दिया, चलता ट्रेन से कूद गया, अरे मर गया तो 1 करोड़ रुपया उसके परिवार वाले को मिलेगा। लेकिन अगर बच गया तो, अगर बच गया तो 1 करोड़ रुपया भी, उसका जान भी बच गया, उसका लाइफ भी सेट हो गया हर तरह से। यानी आपको किसी भी मुश्किल काम को करने से पहले उसके अंदर के जो भी डर है ना उसको खत्म करना होगा, जो भी भय है ना उसको खत्म करना होगा, और उसको मैं आपको छलांग लगा देना होगा। नहीं होगा तो ये नकारात्मक है, अगर हो गया तो ये सकारात्मक है। तो सबसे पहले आपको अंदर के दिल को एक बार हाथ रखकर बोलना होगा ऑल इज वेल, तभी आप कुछ कर सकते हैं। और हाँ, आपका जो प्रिपरेशन चल रहा है उसका हम आप लोग को तैयारी करवाएंगे, 12th रिवीजन केमिस्ट्री का रिवीजन हम करवाएंगे, बिल्कुल हम कह रहे हैं तो हम करवाएंगे। और ये खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए, जो भी बिहार बोर्ड ऐसे हम नहीं कर सकते, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों जिनको हिंदी मीडियम में समझ में आता है, हिंदी मीडियम का क्लास हमारा इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, 12th का फुल्ली रिवीजन होगा, जिसमें VVI क्वेश्चन प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे 2020 के एग्जाम में आने की संभावना है, आ सकता है, वैसे क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन मुश्किल से हम लोग 7 से 8 दिन में कंप्लीट करेंगे, अगर किसी वजह से रुक जाता है, किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता, तो मुश्किल से हमारा जो क्लास चलने वाला है 14 से 15 जनवरी तक हम लोग पूरे केमिस्ट्री को फिर से रिवीजन कर सकेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, माय प्रवीण केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज पे जरूर आप कमेंट करें, मैसेज करें, आप हमारे हर वीडियो के नीचे बताएं कि सर हमको इस चीज का दिक्कत है, आपको कहीं नंबर भी मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम लोग काम यहां पर करेंगे अगर उसका नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, वो भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर जो आपको एक दिखाई देगा, चाहे जिस भी नंबर इस पे दिखाई दे उस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि सर वो नोट्स कैसे मिलेगा, वो नोट्स आपको पास पहुंच जाएगा बिल्कुल ही आसानी से व्हाट्सएप के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज जो भी बात कहे आपके अंदर एक जुनून भरने के लिए किए, आप अपने अंदर एक हुनर लाइए, एक अंदर ज्वाला लाइए जिसको जला दीजिए, कितना भी मिझाले। एक आप लोग जब क्या बोल जाता है, जब आप लोग बर्थडे पार्टी मनाते होंगे ना, तो उस केक पे एक मैजिक कैंडल होता है, जिस कैंडल को कितना भी फूंक दीजिए मिझने वाला नहीं है, बुतने वाला नहीं है, फूंक दीजिए आपके अंदर का सारा हवा निकल जाएगा, वो साला फूकता नहीं, बुतता नहीं है। क्या करना होगा उसके लिए, मेहनत करना होगा ना, जोर लगाना होगा ना, कस का झोंका लाना होगा। आपके अंदर भी वही करना है, एक अंदर जुनून भरना है और कहना है कि हमको मात्र 30 से 35 दिन में कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। आपके पास मात्र 35 दिन है भाई, इस 35 दिन में आप अंदर एक ऐसा ज्वाला जगाइए जिसको किसी भी हवा का झोंका बुता नहीं पाए, या तो आप वो हवा बन पाइए, बनिए जिससे वो ज्वाला बुत जाए। आपको कंडीशन 2 लागू करना है, या तो आप वो जलता हुआ ज्वाला बनिए या तो आप वो हवा बनिए, दोनों में ताकत काफी ज्यादा।